झूठ की एक कमजोरी होती है, बेचारा कभी भी पकड़ा जाता है। इसीलिए एक तो झूठ को याद रखना पड़ता है, दूसरे उस झूठ को संभालने के लिए निरंतर झूठ बोलना पड़ता है। शायद इन्हीं प्रयासों में साहेब पिछले कई साल से लगे हुए हैं, मगर अपनी कमजोरी के कारण उनका झूठ बार बार पकड़ा जाता है और साहेब लगातार झूठ को दोहराने के आदि भी हो चुके हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। एक बार फिर से साहेब ने संसद में जो बड़े बड़े दावे किए थे, उन दावों के झूठ सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिए। यानी आसान भाषा में कहें तो साहेब का झूठ सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पकड़ा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक दिया कि हमें तुम्हारे डबल इंजन पे भरोसा नहीं है। मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डबल इंजन को कौन कौन सी फटकार लगाई है, बेहद आसान भाषा में पूरी कहानी बताएंगे। उधर नीट के मामले में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और कह दिया है कि दोबारा परीक्षा कराना ठीक नहीं रहेगा। और भी बहुत सारी गजब गजब की बातें सुप्रीम कोर्ट में मोदी सत्ता द्वारा नीट परीक्षा को लेकर कही गई है, पूरी कहानी पर बात करेंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष ने किस तरह से इस मामले में मोदी सत्ता को रगड़ा है, उस पर भी बात करेंगे। उधर राहुल गांधी मोदी सत्ता के साथ तू डाल डाल पात पात का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं और इसके तत्कालीन तीन प्रमाण हम आपके सामने रखेंगे। अंबानी सेठ से लेकर अग्निवीर और गुजरात तक, यूं समझ लीजिए कि राहुल गांधी इन दिनों किसी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर रहे हैं, वो भी धमाकेदार तरीके से। गुजरात पहुंचकर आज ही राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ भाषण दिया है। ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसीलिए अभी इसे लाइक कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा ठंड से। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि देश में चल रहे झूठों की सच्चाई आप तक पहुंचे। क्योंकि गोदी मीडिया तो झूठ फैलाने के लिए ही खाता है और उसके पीछे का कारण सिर्फ एक है कि राजनीति और सेठों ने गोदी मीडिया को झूठ फैलाने के लिए ही पाल रखा है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि मीडिया को अपने खर्चे से चलाइए, अब तुरंत साहेब के झूठों पर चले आइए। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के बारे में लगातार झूठ शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। न चाहते हुए भी हमें बार बार करना ही पड़ता है, क्योंकि झूठ का कोई भी पर्यायवाची लगा दीजिए, रहेगा तो झूठ है। अब देखिए, पिछले दिनों संसद में विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी ने, मणिपुर के मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा मांगी। वो चाहते थे कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बढ़िया से जवाब दें, मणिपुर के सांसदों को बोलने का मौका मिले, मगर मणिपुर के सिर्फ एक सांसद को बोलने का मौका दिया गया, दूसरे को बोलने की अनुमति नहीं मिली। इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई, 14 महीने बीत गए, अब तक साहेब वहां जा नहीं पाए, संपूर्ण शांति और सामान्य व्यवस्था की खबरें अभी भी दूर नजर आती। मणिपुर के सांसद सदन में बोलते हुए भावुक हो जाते हैं, कपकपाने लगते हैं, मगर हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है। उल्टे प्रधानमंत्री जब खड़े हुए मणिपुर के मामले पर बोलने के लिए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे अपनी ही पीठ थपथपाने लगे, कुछ बातें आपको खुद ही सुन लेनी चाहिए। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सारा पर्दाफाश कर दिया है। पहले साहेब की बातें सुन लीजिए, इसके बाद झूठ का बवंडर देखेंगे। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा FIR की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 FIR की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृहमंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं, ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। और कांग्रेस के लोग ये न भूले कि मणिपुर में इन्हीं कारणों से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। इतने छोटे से राज्य में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। कुछ तो मुसीबतें होगी और ये हमारे कालखंड में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राजनीति फायदा उठाने के लिए वहां पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में देशवासियों को बताना चाहता हूं, 1993 में मणिपुर में ऐसे ही घटनाओं का क्रम चला था और इतना तीव्र चला था, इतना व्यापक चला था,
वो 5 साल लगातार चला था। तो ये सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समझदारी के पूर्वक स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, हरेक का सहयोग भी हम लेना चाहते हैं, लेकिन हम सामान्य स्थिति को बरकरार रखने में, शांति लाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सुन लिया आपने, साहब कह रहे हैं कि सरकार निरंतर प्रयासरत है, मणिपुर एक छोटा सा राज्य है। यानी खुद ही कह रहे हैं कि मणिपुर एक छोटा सा राज्य है और 14 महीने से एक छोटे से राज्य को संभाल नहीं पाए। बता रहे हैं कि 11,000 FIR की और 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, पहले कहते हैं कि छोटा सा राज्य है, फिर कह रहे हैं कि 11,000 FIR दर्ज हुई। अब अंदाजा लगाइए कि मणिपुर में कितनी भयावह स्थिति रही होगी कि छोटे से राज्य में 11,000 FIR दर्ज करनी पड़ी। और क्या FIR दर्ज करना ही सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी है? सवाल तो यह है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हुई कि 11,000 FIR दर्ज करने पड़े और 500 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, और पैदा हुई तो इतने समय से लगातार चल क्यों रही है? प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि जैसे देश के अन्य क्षेत्रों में परीक्षाएं हुई हैं, वैसे ही मणिपुर में भी परीक्षाएं हुई हैं। मगर सवाल यह है कि क्या मणिपुर में भी वैसी ही परिस्थिति में परीक्षा हो पाई है जैसे देश के अन्य हिस्सों में हो रही है? प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सभी से बातचीत करके शांति का रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब जरा अपनी स्क्रीन पर जून महीने की इन खबरों को देखिए। 18 जून 2024 की यह खबर बता रही है कि जवानों को उतरने के लिए कहने पर भीड़ ने CRPF की बस में आग लगा दी। अल जजीरा की यह खबर बता रही है, इंटरनेशनली बता रही है कि जातीय हिंसा पर भाजपा को हराने के बाद भी मणिपुर में शांति नहीं आ पाई है। 23 जून की इंडिया टीवी की यह खबर बता रही है, मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा, फिर हुई गोलीबारी। मगर इन सब से इतर साहिब की अपनी एक दुनिया है। इस दुनिया में सब कुछ कल्पनाओं में ही होता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गृह मंत्री स्वयं मणिपुर में जाकर कई दिनों तक रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक रहे। मगर सवाल तो यह है कि क्या ये लोग वहां पिकनिक करने गए थे? मुझे याद है गृह मंत्री अमित शाह जब मणिपुर से लौटे थे तो वहां पर हिंसा और ज्यादा भड़की थी। लोगों ने उसी वक्त सवाल किया कि गृह मंत्री वहां शांति लाने गए थे या भड़काने गए थे, और यदि गृह मंत्री के वहां जाने से ही सब कुछ शांत हो जाने वाला था तो प्रधानमंत्री आप स्वयं चले जाते। 14 महीने तक आप मणिपुर क्यों नहीं जा पाए, जबकि समंदर के नीचे चले गए, मंदिर में बैठकर ध्यान लगवाने की फोटो खिंचवा ली, वीडियो बनवा लिया, मणिपुर जाने का समय नहीं मिला। इसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो लोग मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें आगाह करता हूं, ये हरकतें बंद कर दीजिए, एक समय आएगा कि मणिपुर उनको रिजेक्ट करने वाला है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर की आग में जो लोग घी डालेंगे मणिपुर उनको रिजेक्ट कर देगा। जबकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और मणिपुर की जनता ने प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को नकार दिया, डबल इंजन को रिजेक्ट कर दिया। मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस आ गई। यानी जिस बात के लिए साहब दूसरों को आगाह करना चाहते हैं वो खेल खुद उन्हीं के साथ हो चुका है। मगर फिर भी बातें सुनिए तो इतनी बड़ी बड़ी हैं। लगातार कह रहे हैं कि हम मणिपुर राज्य के साथ मिलकर कड़ी से कड़ी जोड़कर शांति की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर साहब के इन दावों की एक हकीकत सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आती है, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला तथा जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ को ये तक कहना पड़ रहा है कि हमें राज्य पर भरोसा नहीं है। सोचिए, इस देश की सबसे बड़ी अदालत मणिपुर राज्य के बारे में कह रही है कि हमें स्टेट पर भरोसा नहीं है। और ये क्यों कहना पड़ा उसको भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी जिसमें एक व्यक्ति जो बवासीर और तपेदिक से पीड़ित है, उनका कहना है कि मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द होने के बावजूद जेल अधिकारी अस्पताल नहीं ले गए। हाउकिम नाम के व्यक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों से मैं चिकित्सा सहायता के लिए लगातार अनुरोध करता रहा मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, और मेरे साथ ये भेदभाव इसलिए हुआ क्योंकि मैं कुकी समुदाय से हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ। इस तरह के आरोप सामने आए हैं। अब ध्यान रखिए, मणिपुर में कुकी समुदाय के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि डबल इंजन यानी भाजपाई सत्ता बहुसंख्यक समुदाय के पक्ष में है, यानी मैतेई समुदाय के पक्ष में है, ये आरोप लगातार लगता आया है, और कुकी समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगता आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक कुकी समुदाय की इस विचाराधीन कैदी को सुरक्षा कारणों से इलाज के लिए अस्पताल न ले जाने पर मणिपुर सरकार पर जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा कि हमें राज्य पर भरोसा नहीं है, आरोपी को आप अस्पताल नहीं ले गए क्योंकि वो कुकी समुदाय से है, ये बहुत ही दुखद बात है, हम उसे अभी जांच करने का निर्देश देते हैं, अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गंभीर बातें सामने आती है तो फिर अगली डांट फटकार के लिए तैयार रहिएगा। इस मामले में एक बात और निकल कर आई है कि कुकी समुदाय से संबंधित इस व्यक्ति को अस्पताल इसलिए नहीं ले जाया गया
क्योंकि अस्पताल ले जाने से कानून और व्यवस्था की स्थिति खतरनाक हो सकती थी। अब सोचिए, मणिपुर में जेल में बंद आरोपी गंभीर बीमारियों का सामना कर रहा है, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल ले जाने में कानून व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका है। आरोप यह भी लगता है कि चूंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय यानी कुकी समुदाय से है, इसलिए उसको अस्पताल नहीं ले जाया गया। और साहब संसद में खड़े होकर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। खबरों के अनुसार मणिपुर में आज भी 60,000 के करीब शरणार्थी सरकारी शिविरों में रहने को मजबूर है। सैकड़ों मंदिरों और चर्चों को तोड़ दिया गया, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, न जाने कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, नग्न परेड वाला वीडियो तो आपने देखा ही था। और ये सब कुछ होने के बाद भी साहब अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थकते, कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं 1993 से। बता रहे हैं कि उस समय भी ऐसी घटनाओं का क्रम चला था, यानी 3 दशक पुरानी स्थिति से तुलना आज से कर रहे हैं। अब ये मत पूछिएगा कि 10 साल से सत्ता में है, लगातार पूर्वोत्तर की बात करते हैं, क्या पूर्वोत्तर में यही विकास हुआ है कि 14 महीने से एक राज्य जल रहा है और अब तक आप शांति बहाल नहीं कर पाए। शांति बहाल करना तो बहुत दूर की बात है, एक बार भी मणिपुर जा नहीं पाए। यदि शांति आ ही रही है तो आप भी चले जाइए। आइए अब नीट परीक्षा पर बात कर लेते हैं। नीट यूजी परीक्षा को लेकर केंद्र की मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि इस परीक्षा का आयोजन दोबारा करना ठीक नहीं रहेगा। परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने पर इस वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवार गंभीर रूप से संकट में पड़ जाएंगे। अब मोदी सत्ता से यह कौन पूछे कि अभी जिस तरीके से परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं, क्या लाखों उम्मीदवार संकट में नहीं है और वो संकट में पड़ जाएंगे, ये बात क्या उम्मीदवारों ने कही है? और यदि सरकार को लाखों उम्मीदवारों की इतनी ही चिंता थी तो सारी व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं रखा? बार बार भाजपा से संबंधित लोगों का नाम ही क्यों आ रहा है पेपर लीक मामले में? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए स्वीकार किया है कि नीट यूजी की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं, धोखाधड़ी, कदाचार के मामले थे। हालांकि मोदी सत्ता ने पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं किया है और ये साफ साफ कह दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा में बड़े पैमाने पर किसी उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है, इसलिए परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। जिन छात्रों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है उन्हें किसी भी तरह से खतरे में डालना ठीक नहीं है। अब सवाल यह है कि जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उन्हीं को तो नुकसान है, वो तो पहले से खतरे में जा चुके हैं, उनको बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा, और जो चोरी करके गया है उसको अच्छा अच्छा मिल जाएगा। तो जो ईमानदार छात्र प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उन्हीं को सत्ता कह रही है कि परीक्षा रद्द करने से उनको परेशानी में डालना हो जाएगा। उधर इसी मामले में बिहार सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को भेजे अपने पत्र में कहा था कि उसकी जांच में पेपर लीक के अस्पष्ट संकेत मिलते हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच के दौरान नीट पेपर की कथित फोटोकॉपी के जले हुए अवशेष भी प्राप्त किए, जिसमें 200 में से 68 प्रश्न मैच भी हो गए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर बनाया था। इसी आधार पर बिहार की जांच में सामने आया कि पेपर तो लीक हुआ है, यानी बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बिहार की सरकार की जांच में सामने आया कि पेपर लीक हुआ है, बकायदा जला हुआ पेपर भी पाया गया, प्रश्न भी मैच हो गए, मगर मोदी सत्ता पेपर लीक से साफ इनकार कर रही है। उल्टे कह रही है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि देश भर में कोई गड़बड़ी हुई है, और ईमानदार अभ्यर्थियों को परेशानी से बचाने का बहाना बना रही है जो पहले से परेशानी में ठेले जा चुके हैं, जिन्हें सत्ता की लापरवाहियों ने ही परेशानी में डाल रखा है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक से इनकार किया है, देश के लाखों युवाओं के साथ सफेद झूठ बोला जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं हुई, चीटिंग हुई, यह गुमराह करने वाली बात है। बीजेपी आरएसएस ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रखकर शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दिया है। एनसीईआरटी की किताबें हों या परीक्षा में लीकेज, मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने पर तुली हुई है। हमारी मांग हम फिर से दोहराते हैं कि नीट यूजी फिर से कराया जाए, ट्रांसपेरेंट तरह से ऑनलाइन परीक्षा हो, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सभी पेपर घोटाले की गहन जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। मोदी सरकार अपनी कारगुजारियों से पीछा नहीं छुड़वा सकती। मोदी सत्ता के ऐसे कारनामों पर मुझे भाजपा नेता राजनाथ सिंह की वो बात याद आती है कि यूपीए सरकार थोड़ी ना है, आरोपों पर इस्तीफा नहीं होता है, यहां ये एनडीए की सरकार है। सोचिए, एक वक्त जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, अभी 10 साल पहले ही यूपीए की सरकार थी, महज आरोपों के दम पर इन लोगों ने अपने ही मंत्रियों को जेल में ठूस दिया। भले ही आरोप गलत हो, पता हो कि गलत है, मगर जब जनता का दबाव पड़ा, विपक्ष का दबाव पड़ा, मीडिया का दबाव पड़ा, तो सरकार लगातार झुकती हुई नजर आई और हर एक बात को माना। अन्ना हजारे और रामदेव को याद करिए, इन लोगों की अनर्गल बातों को भी काफी हद तक यूपीए की सरकार ने माना, जबकि ये सब बाद में भाड़े के टट्टू साबित हुए। जनता की समस्याओं से इनका दूर दूर तक कोई सरोकार नजर नहीं आया, बल्कि समस्याओं को पैदा करने वाले साबित हुए। और एक आज की स्थिति है जब देश में 24 लाख परीक्षार्थियों वाली परीक्षा को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, कई करोड़ लोग प्रभावित हैं और सरकार
कान में कड़ुआ तेल डाल के घूम रही है। डबल इंजन बोल रहा है कि पर्चा लीक हुआ है, मोदी सत्ता बोल रही है कि पर्चा लीक नहीं हुआ है, इस बात का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। बाकी टेंशन मत लीजिए, विश्वगुरु तो हम बन के रहेंगे। 2024 चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस भले ही सत्ता में न आई हो, मगर उसने एक मजबूत नेता तो देश को दे ही दिया जिससे लोग उम्मीद कर रहे हैं। और राहुल गांधी के बारे में जैसे पिछले कुछ सालों से आईटी सेल के गुर्गे प्रचारित कर रहे थे कि ये पार्ट टाइम नेता हैं, खाली चुनाव से पहले नजर आते हैं, चुनाव के बाद इटली चले जाते हैं, अब राहुल गांधी ने इन बातों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और इतने एक्टिव हो गए हैं कि देश के सबसे बड़े सेठ भी भीतर से हिले हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने 3-4 कारनामे किए हैं, उन सभी को आप जरा ध्यान से सुनिए। पिछले दिनों सेठ मुकेश अंबानी राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे थे, मगर उनसे पहले ही राहुल गांधी राजमिस्त्री और मजदूरों से मिलने निकल पड़े। यानी कहीं ना कहीं यह संदेश कि मैं सेठों से नहीं देश की आम जनता से मिलूंगा। उधर आवास पर बेटे के साथ अंबानी सेठ राहुल गांधी को ढूंढते रहे, राहुल गांधी पहले ही अपना रास्ता बदल लिए। यानी सेठों के मामले में राहुल गांधी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसी तरह संसद में मोदी सत्ता की तरफ से किए गए दावों को झूठा करार देते हुए राहुल गांधी लगातार शहीद हुए अग्निवीरों के परिवारों से मिल रहे हैं, जहां परिवार वाले खुद ही कह रहे हैं कि उनको बहुत सारी चीजें नहीं मिली जो देने का वादा सत्ता कर रही है और दावा कर रही है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, आप खुद ही सुनिए इसमें क्या कुछ है। इसके बाद राहुल गांधी का तीसरा कारनामा जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नमस्कार। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है, 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया। कॉम्पेंसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। जो भी सानू पैसा मिला ओहो एक सोर्स मिला हमें, जो बेटे का करा था आईसीआई बैंक से, नहीं एक जोड़ता सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। कॉम्पेंसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, आज तक उनको एक्सग्रेशा पेमेंट क्यों नहीं मिला? आज तक उनके बैंक अकाउंट में सैलरी अरियर्स का पैसा क्यों नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला, सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सानू पेंशन लगनी चाहिए, साढ़ा कार्ड वगैरह भी बनना चाहिए, कंटीन कार्ड बनना चाहिए, जो भी पैसा सरकार वाला साढ़ा सेंटर सरकार या केंद्र सरकार ने जिदा राजनाथ ने बयान दिता ही 1 करोड़ रुपया भेज दिया गया शहीदों के परिवारों को, हमें वो भी नहीं मिला। सच्चाई ये है कि आज हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, एक नॉर्मल जवान और दूसरा अग्निवीर। शहीद दोनों होंगे, मगर एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को पेंशन नहीं मिलेगी। एक को कैंटीन मिलेगी, दूसरे को कैंटीन नहीं मिलेगी। ये देश की सच्चाई है। अगर किसी ने देश के लिए अपनी जान दी है उसका आदर होना चाहिए। सरकार जो भी कहना चाहती है कहे, सच्चाई ये है। देशवासियों, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, सेना का मुद्दा है, इसको मैं उठाता रहूंगा। इंडिया गठबंधन सेना को कमजोर कभी नहीं होने देगा। धन्यवाद। सुन लिया आपने, रक्षा मंत्री कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया भेज दिया गया है, जबकि जिन्हें मिलना था उनका कहना है कि अब तक नहीं मिला है, और जो मिला है वो अलग इंश्योरेंस का पैसा है, यानी वो अलग है। अब तीसरी कहानी सुनिए। हाल ही में संसद के भीतर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस पर 24 घंटे हिंसा, नफरत और झूठ फैलाने का आरोप लगाया था। इससे नाराज होकर गुजरात में कांग्रेस के कार्यालय पर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने हमला कर दिया, पत्थरबाजी की। यानी अपने आप को हिंसात्मक कहने पर ये लोग नाराज हुए और हिंसा करने लगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो आरोप लगाया था, देखिए बीजेपी आरएसएस के लोगों ने खुद ही उसको सिद्ध कर दिया कि ये लोग हिंसा फैलाने वाले हैं। मगर राहुल गांधी यही नहीं रुके हैं, आज सुबह सुबह निकल पड़े गुजरात डरो मत का संदेश देने के लिए। पिछले दिनों संसद में राहुल गांधी ने आंख में आंख डालकर ये भी चैलेंज किया कि इस बार आपको गुजरात में हराएंगे, यानी भाजपा को हराएंगे। अब गुजरात पहुंचकर राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के गढ़ में घुसकर उन्हें घेर रहे हैं, आप लोग खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, मैं गहरी बात बोल रहा हूं, मैं ऐसी आलतू फालतू बात नहीं करता हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी बनी कहां थी, मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने रास्ता दिखाया था, आप क्या सोचते हो जब यहां अंग्रेज राज करते थे क्या डर नहीं था? गुजरात के व्यक्ति ने कहा था, महात्मा गांधी ने देश को कहा कि देखो डरो मत, डराओ मत,
और आग गुजरात से शुरू हुई थी, और आज अगर कांग्रेस पार्टी है तो वो पार्टी, वो भावना, वो सोच गुजरात से शुरू हुई। इसीलिए जब इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। वो गुब्बारा जो था वो फट गया है, फटाक से वो फट गया है। आप सोचिए पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी वहां बैठे, मैं यहां, और मैंने प्रधानमंत्री जी से उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से तो अयोध्या कैसे हार गए, कैसे हार गए? तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलॉजिकल, गुजरात की जनता बायोलॉजिकल, गांधी जी बायोलॉजिकल, हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग बायोलॉजिकल, और नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। स्पीकर सर ने मुझे कहा ऐसे मत बोलिए, मैंने कहा मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। स्पीकर बिल्कुल चुप हो गए, बात तो सही है, ये राहुल गांधी के शब्द थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द हैं, नॉन बायोलॉजिकल। अब सोचिए वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है, कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मजदूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डायमंड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे, आरएसएस वाले, हम लड़े थे, हमने कहा देश से, हमने कहा था डरो मत डराओ मत, हमने कहा था। बीजेपी के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था भैया डर गए हम, जो करना है कर लो। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है, अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। तो अब आपका काम है गुजरात को विजन देना, गुजरात के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को विजन देना कि भैया हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रख दिया था बीजेपी को, आपने देखा? वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए। गुजरात की जनता से मिलकर एक लाख लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया था, वैसे ही हम गुजरात में लाखों लोगों से पूछकर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, गुजरात को विजन देंगे, और फिर चुनाव पूरा दम लगा के लड़ेंगे, और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़ के हटप्पर कर